आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही यूनिक रेसिपी जिसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स और ब्यूटी बेनिफिट्स हैं, और वो रेसिपी है कोकोनट मिल्क। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आगे आने वाले न्यू रेसिपीज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। सो कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। कोकोनट मिल्क बनाने के लिए ये लिया है हमने एक नारियल। इसको हमने इस तरह से जो इसकी मूंज होती है उसे निकाल कर और साफ़ कर लिया है, और यहाँ पर जो इसमें एक छेद दिख रहा है इसमें हम होल करेंगे। किसी भी डंडी की हेल्प से आप इसमें इस तरह से घुमाकर होल कर लेंगे। ये देखिए बहुत इजीली इसमें होल हो जाता है, और इसमें से हम इसका पानी बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए हमने नारियल का पानी बहुत आसानी से निकाल लिया है। अब इस नारियल को फोड़कर हम इसके अंदर से गिरी निकालेंगे। आज हम आपको नारियल की गिरी निकालने का एक बहुत ही आसान तरीका बताएंगे। इस नारियल को हम इस गैस पर रखेंगे इस तरह से। और इसे हम इस पर रखकर सेकेंगे। ये देखिए नारियल इस तरह से क्रैक हो गया है। अब हम इसे इसी तरह से सब तरफ से घुमाकर सेक लेंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है। हम इस नारियल को थोड़ा सा किसी भारी चीज़ से ठोकेंगे तो इसकी जो गिरी है वो शेल से बिल्कुल आसानी से अलग हो जाएगी। ये नारियल को निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। नारियल की शेल अच्छे से क्रैक हो गई है, अंदर से गिरी भी दिखने लगी है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं। ये देखिए हमने बहुत ईजी तरीके से नारियल की गिरी को नारियल के शेल से अलग कर लिया है। अब ये जो नारियल है इसका जो पीछे हमें ब्राउन वाला छिलका दिख रहा है इस पार्ट को हम पीलर से इस तरह से पील करके निकाल कर साफ़ कर लेंगे। ये देखिए हमने नारियल का छिलका निकाल कर और इसे बिल्कुल साफ़ कर लिया है। अब हम इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। ये देखिए नारियल को हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, और ये लिया है हमने एक मिक्सर का जार। इसमें हम इस नारियल को डालेंगे। अब इस नारियल को हम मिक्सर में चलाकर अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे एक कप के लगभग पानी और इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए हमने कोकोनट को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। ये लिया है हमने एक बोल, इसमें हम रखेंगे ये सूप स्ट्रेनर। ये लिया है हमने एक मसलिन क्लॉथ, इसको हम इस स्ट्रेनर के ऊपर रख देंगे, और ये जो कोकोनट हमने ब्लेंड करके रखा था इसे हम इसमें डाल देंगे, और इसे हम इस तरह से पकड़कर और स्क्वीज करेंगे।
ये देखिए हमने नारियल में से दूध निकाल लिया है और ये जो बचा हुआ नारियल है इसे हम एक बार फिर से मिक्सर में डालकर ब्लेंड करेंगे। इसमें हम एक कप के लगभग पानी और डालेंगे और वही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। ये देखिए सेम प्रोसेस से हमने एक और कोकोनट का मिल्क निकाल लिया है। कुल मिलाकर हमने दो कोकोनट का मिल्क निकाल कर तैयार कर लिया है। इस कोकोनट मिल्क को हम ऐसे ही सर्व कर सकते हैं या फिर इसका यूज़ हम कुकिंग में भी कर सकते हैं, जैसे कि वेजिटेबल की करी बनाने में इसका यूज़ किया जा सकता है और साउथ इंडियन डिशेज़ में तो इसका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। इस कोकोनट मिल्क के बहुत सारे अनगिनत हेल्थ बेनिफिट्स और ब्यूटी बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि ये हमारे हेयर के लिए और हमारी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है और इसके रेगुलर यूज़ से हमारा ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी मेंटेन रहता है। ये देखिए हमारा कोकोनट मिल्क सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये कोकोनट मिल्क डेयरी प्रोडक्ट का एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है। अगर आपको भी मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आप भी इसे अपने घर पर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आप अपने सजेशंस और फीडबैक भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कोकोनट रेसिपी के पार्ट 2 में।